अब उसको डर लग रहा है कि वापस कैसे जाएगी, कैसे जंगल से गुजरेगी। तो बेटी ने सोचा, माँ की बेटी थी, आइडिया उसके पास भी थे। बेटी ने कहा, देखो माँ, बड़ा सिंपल सी बात है, मैं ये तुमड़ी लेती हूँ। तुमड़ी क्या होती है? लौकी। ये सूखी तुमड़ी है, इसको खोखला कर देती हूँ, अंदर से बिल्कुल खाली कर देती हूँ, और तुम इसके अंदर छुप जाओ, और मैं यहाँ से उसको लुढ़का दूंगी, और लुढ़कते लुढ़कते तुमड़ी जो है वो निकल जाएगी। और अगर कोई रास्ते में तुमसे पूछेगा, तुमड़ी से पूछेगा, भैया तुमने किसी बुढ़िया को देखा, तो तुम अपनी तुमड़ी की भाषा में बोल देना कि चल तुमड़ी बाटू बाट में क्या जानू बुढ़िया बात, चल तुमड़ी बाटू बाट में क्या जानू बुढ़िया बात। इसमें क्या होगा कि मतलब मैं तो भैया तुमड़ी हूँ, मेरे को नहीं पता भैया, मेरे को नहीं पता बुढ़िया की कोई बात, मुझे जाने दो। तो बुढ़िया ने कहा, तो बहुत अच्छी बात है आइडिया। बुढ़िया तुमड़ी के अंदर बैठ गई और उसकी बेटी ने बाहर से इसको पैक किया और उसको लुढ़का दिया, और बुढ़िया अंदर से गाने गाने लगी तुमड़ी की आवाज में, चल तुमड़ी मट्टो बाट में क्या जानो बुढ़िया बात, चल तुमड़ी मट्टो बाट में क्या जानो बुढ़िया बात। सामने मिला उसको सियार। सियार ने तुमड़ी को लुढ़कते हुए देखा तो पकड़ा भैया, उसके पास गया भैया, अरे बुढ़िया तुम तो नहीं हो, चल तुमड़ी मट्टू बाट में क्या जानू बुढ़िया बात, चल तुमड़ी मट्टू बाट में क्या जानू बुढ़िया बात। सियार ने सुना, भैया तुमड़ी तो कुछ और ही बोल रही है, ये नहीं जानती बुढ़िया को, और उसने उसको जाने दिया। सामने मिलाओ भालू, वो दरिया किनारे वाला भालू, चल तुमड़ी मट्टू बाट में क्या जानू बुढ़िया बात। भालू को भी आवाज सुनाई दी, और पास गया, उसको सूंघने लगा, कुछ तो गड़बड़ है, चल तुमड़ी मट्टू बाट में क्या जानू बुढ़िया बात। बुढ़िया अंदर से बोलती रही कि चल तुमड़ी मट्टू बाट में क्या जानू बुढ़िया बात, चल तुमड़ी मट्टू बाट में क्या जानू बुढ़िया बात। भालू को शक तो हुआ, पर भालू ने उसको जाने दिया। सामने आया शेर, चल तुमड़ी मट्टू बाट में क्या जानू बुढ़िया बात, चल तुमड़ी मट्टू बाट में क्या जानू बुढ़िया बात। शेर को भी शक हुआ, शेर की नाक और तेज थी, तो स्मेल किया उसको पास जाके, उसको हाथ हो रही थी बुढ़िया वाली स्मेल, पर उसको लगा कुछ तो गड़बड़ है। उसने कहा, ए तुमड़ी, कहाँ है बुढ़िया, तू जानती है बुढ़िया कहाँ है, तुझसे बुढ़िया की स्मेल आई है, तू बुढ़िया से मिली है, चल तुमड़ी मट्टू बाट में क्या जानू बुढ़िया बात, चल तुमड़ी मट्टू बाट में क्या जानू बुढ़िया बात। तुमड़ी से आवाज आते रही, भैया कुछ तो गड़बड़ है। तभी पीछे से भालू आया, भालू ने कहा, भैया ये तुमड़ी जो है सो मुझे शक है। पीछे सियार भी आया, उसको भी शक था। सभी जानवरों ने तुमड़ी को घेर लिया। बुढ़िया घबराई और जोर से बोलने लगी, ओ चल तुमड़ी मट्टू बाट में क्या जानू बुढ़िया बात, चल तुमड़ी मट्टू बाट में क्या जानू बुढ़िया बात। जानवर और पास आ गए, और पास आए, बुढ़िया और घबरा गई, चल तुमड़ी मट्टू बाट में क्या जानू बुढ़िया बात, चल तुमड़ी मट्टू बाट में क्या जानू बुढ़िया बात। उस गलती में बुढ़िया की आवाज जो है गलती से अपनी वाली निकल गई, तुमड़ी वाली नहीं निकली, चल तुमड़ी मट्टू बाट में क्या जानू बुढ़िया। ओहो, शेर को समझ में आ गया, उसने कहा, भैया ये तो गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। शेर ने क्या किया, तुमड़ी को धक्का दिया और तोड़ दिया, और सामने से बुढ़िया बाहर निकल आई। बुढ़िया सामने, जानवर सामने, जानवर।
जानवर सामने, बुढ़िया सामने, और जानवर सब कह रहे हैं मैं पहले खाऊंगा, मैं पहले खाऊंगा, मैं पहले खाऊंगा। कौन बुढ़िया को पहले खाएगा की बात बहुत ज्यादा गंभीर हो गई। अब बुढ़िया तो चतुर थी, उसको पता था उसकी जेब में खाने को भी सामान है तो वो बच सकती है। उसने अपना आइडिया लगाया कि मेरी जेब में सामान है खाने का और ये सब आपस में लड़ रहे हैं, मैं इसका फायदा उठा सकती हूँ। तो बुढ़िया बोली हेलो, बुढ़िया बोली हेलो, देखो भैया जानवर लोगों, अब तुम में लड़ाई हो रही है कौन मुझे पहले खाएगा। चलो तुम डिसाइड तो नहीं कर सकते कौन पहले खाएगा, तो मैं तुम आइडिया देती हूँ। जानवरों ने सबने सोचा हाँ आइडिया अच्छा है, आप ही बताओ। तो बुढ़िया बोली मैं वो सामने पेड़ दिख रहा है पेड़ के, तो जानवरों ने देखा हाँ दिख रहा है पेड़ दिख रहा है, तो मैं उस पेड़ पे चढ़ जाऊंगी और वहां से कूद लगाऊंगी, जिसने मुझको पहले पकड़ा मैं उसकी हो जाऊंगी, जिसने मुझको पकड़ा पहले मैं उसकी हो जाऊंगी, वो ही मुझको खाएगा और मैं कुछ ना कह पाऊंगी, जिसने मुझको पहले पकड़ा मैं उसकी हो जाऊंगी। जानवर ने कहा बहुत ही अच्छा आइडिया है, ये तो बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। चल बुढ़िया चढ़ जा पेड़ पे, चढ़ जा। तो बुढ़िया पेड़ पे चढ़ गई और सारे जानवर नीचे खड़े हो गए। बुढ़िया ऊपर चढ़ गई और हंसने लगी, उसको पता था इसने सभी जानवरों का उल्लू खींच दिया है। सब जानवर वेट कर रहे और बुढ़िया ऊपर थी। तब बुढ़िया ने अपनी जेब से अपना टिफिन निकाला, बुढ़िया ने अपनी जेब से अपना टिफिन निकाला। अब बुढ़िया को चटपटा मिर्ची वाला खाना बहुत पसंद था, तो उसकी बेटी ने टिफिन में साइड में एक पैकेट रख रखा था चिली पाउडर, मिर्ची पाउडर का। बुढ़िया ने झट से मिर्ची पाउडर निकाला और सारा मिर्ची पाउडर नीचे छिड़क दिया। अब सभी जानवर इधर भागे, उधर भागे, इधर भागे, उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर घुस गया, वो तितर बितर हो गए। आ ओ ई औ, चारों तरफ भागे। अब बुढ़िया ने सोचा यही मौका है, नीचे पेड़ से उतरी और भागी 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 भागी, दूर से भागी और गाने लगी, माटू बाट मैं क्या जानू बुढ़िया बात, चल तुमड़ी माटू बाट मैं क्या जानू बुढ़िया बात, चल तुमड़ी माटू बाट मैं क्या जानू बुढ़िया बात। ऐसे भागते भागते गाते गाते बुढ़िया घर पहुंच गई, और आज भी उसको याद है वो गाना जो उसकी बेटी ने उसको सिखाया था, और वो गाना गाती है और अपनी बेटी को याद करती है। और गाना कैसे गाता है, सब साथ में गाते हैं, चल तुमड़ी माटू बाट मैं क्या जानू बुढ़िया बात, चल तुमड़ी माटू बाट मैं क्या जानू बुढ़िया बात, चल तुमड़ी माटू बाट मैं क्या जानू।